स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए देखिए, सब्सक्राइब पर लाल बटन है और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और 133 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है। BSE पे 28 मई 2019 1:20 पे। साल का लो था 66.25 रुपये और हाई था 138 रुपये, जो कि हाई के आसपास ही अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप है 11,214 करोड़। अर्निंग पर शेयर है 10.94 रुपये। पी है 12.16 की और इंडस्ट्री पी है 33.29 की। बुक वैल्यू है 54.21, प्राइस टू बुक है 2.45 की और फेस वैल्यू है 2 की रह गई है। डिलीवरेबल है 23.91% की। और मैं बता दूं आपको कि ये साल में करीब करीब ये 4 बार लाभांश यानी डिविडेंड पे करता है। देखिए, चाहे 2016 हो चाहे 2017 हो, इन्होंने इंटरिम फाइनल और 2018 में भी 4 बार दिया, 2019 में भी 2 दफ़ा दे चुका है। और यहाँ पे देखिए 55 पैसे पर शेयर के हिसाब से, तो साल में 4 बार डिविडेंड पे करता है, जो कि अच्छी बात है। और जो लोग डिविडेंड ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अब यहाँ पे टॉप सेगमेंट में अगर हम डिस्कस कर लें तो क्वेल ज्वेलरी गोल्ड लोन्स, मतलब 97.25% की इनका जो रेवेन्यू है सिर्फ गोल्ड लोन से आता है। मतलब आपसे सोना लेके आपको पैसा देते हैं। तो ऐसी कंपनियों में होता क्या है कि जो NPA बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो सिक्योरिटी के तौर पे आपसे सोना रखवा रहे हैं अपने पास। और कस्टमर्स को जहाँ लगता था कि हम प्राइवेट साहूकार या फिर जो प्राइवेट लेंडर्स होते थे उनको सोना रख के अगर उनसे पैसे लेते थे तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे बजाय उसके मुकाबले कम इंटरेस्ट रेट रहता है सबका अलग अलग हो, चाहे मुथूट फाइनेंस हो, चाहे मन्नापुरम फाइनेंस हो, चाहे कोई बैंक हो। जो गोल्ड लोन होता है थोड़ा सस्ता होता है बजाय प्राइवेट से, तो इस वजह से जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको सहूलियत भी रहती है और वो ऐसी कंपनियों में भरोसा करके अपना सोना रख के पैसा लेते भी। आपने टीवी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे, चाहे अमिताभ बच्चन वाला ऐड हो, चाहे अक्षय कुमार वाला ऐड हो। हम फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कैसा रहा इनका अभी कारोबार। क्वार्टर फोर में हम देखते हैं कि जहाँ December 2018 में नेट सेल्स थी यहाँ के 1,081 करोड़ की, वही March 2019 में हो गई 1,084 की, यानी 0.34% की अपसाइड है। और वहीं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में हम देखते हैं तो जहाँ December 2018 में थी 245 करोड़ के आसपास की, वही March 2019 में हो गई 256, यानी 4.79% की अपसाइड है। और OPM में भी देखिए, जहाँ यहाँ 68.54% की December 2018 में थी, वहीं 67.70, यानी थोड़ी सी 0.84% के आसपास March 2019 में थोड़ी सी घटी है, बहुत माइनर OPM में, तो डाउनसाइड दिखा रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर लेते हैं हम, और जहां March 2018 से March 2019 में हम कंपेयर करते हैं तो नेट सेल्स में यहां पे देखिए 22.34% की अपसाइड है, वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 34.21% की अपसाइड है, लेकिन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी 43.23% की अपसाइड है और मार्जिन में भी देखिए 5.99% की अपसाइड ज़बरदस्त है। तो ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त रिजल्ट्स इनके हैं और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और शेयर होल्डिंग में अगर हम चलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करता है, देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स जो है 189 है, 44.18% की ज़बरदस्त होल्डिंग बना रखी है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि फॉरेनर्स बहुत समझदार होते हैं, हम लोग इंडियंस भी समझदार हैं, लेकिन हम लोग कमिटेड नहीं हैं। हमारे खाते में पैसा आ जाता है तो हम लोग क्या खुजली होने लगती है कि यार कौन सा स्टॉक ले लें, अच्छा ये वाला ले लें, हो सकता है कल अच्छा माल कमवा दे। तो इस वजह से रिसर्च तो करते हैं, मालूम भी पड़ जाता है और अपनी खुद की एनालिसिस भी या फाइनेंशियल एडवाइज़र के माध्यम से भी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और हम में थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर्स में खासकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कमी है। लेकिन मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा। और FIIs यहाँ पे देखिए, इन्होंने 4.74% के आसपास अभी फ़िलहाल December 2018 से March 2019 के बीच में उन्हें होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ की हुई है, जो कि ज़बरदस्त। और प्रमोटर्स के पास 35.14% के आसपास की होल्डिंग है और 4.9% के गिरवी रखे हुए, तो हो सकता है कि गिरवी रख के उन्होंने कुछ पैसे उठाए हो, ताकि क्योंकि पैसे लेके ही पैसे देते हैं तो इनको इंटरेस्ट अर्निंग में ही कमाई है। इंडिविजुअल है हम जैसे, आप जैसे खुदरा निवेशक 13.16% के आसपास। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा था कि जब ये लोन जो प्रोवाइड करते हैं सोना रख के, तो इसलिए इनका NPA इसलिए कम होता है क्योंकि अगर आपने पैसा इनका नहीं भरा तो ये आपके सोना को ऑक्शन करके मतलब वसूल लेंगे, सोना सिक्योरिटी के तौर पे इनके पास रहता है। और इनके वेबसाइट पे मैंने पढ़ा, काफ़ी जाना,
तो देखिए, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज फाइनेंस यानी छोटी जो मझोली कंपनियां होती हैं उनको फाइनेंस करते हैं। बहुत बड़ा कॉरपोरेट या बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को नहीं ये फाइनेंस करते, जहां एनपीए इनका पड़ जाता है, जहां कंपनी डूबी तो इनका पूरा पैसा फंस जाता है। कमर्शियल व्हीकल में भी एक लिमिट तक ये लोन देते हैं, गोल्ड लोन, और होम लोन भी बहुत ज़्यादा लोन नहीं देते, एक पर्टिकुलर इन्होंने अमाउंट तय कर रखी है उसी के लिमिट में ही देते हैं। इंश्योरेंस में भी है, माइक्रो फाइनेंस में भी है। इस प्रकार से मन्ना फर्म फाइनेंस जो है मुझे बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्टिव कंपनी लगती है, और धीरे धीरे ये ग्रोथ कर रही है, अच्छा रिटर्न दे रही है। मैं अभी आपको इसके रिटर्न भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो 4-5 सालों के लिए एक फिक्स हो गई है, तो इन जो आने वाले 5 साल है इसमें मुझे लगता है कि अगर हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल केमिकल सेक्टर्स और बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर फिलहाल अभी बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन हम दूर का सोच के अगर कुछ करें तो अच्छे रिटर्न्स हमको 5 सालों में मिल सकते हैं जो पिछले 10 सालों में नहीं मिले हैं। आइए हम बढ़ते हैं इनके रिटर्न्स की तरफ, कि इनके रिटर्न्स कैसे रहे। देखिए, 10 सालों में इन्होंने 1324% के आसपास रिटर्न दिया जो कि ज़बरदस्त है। 5 सालों में 533% के आसपास रिटर्न है। 4 सालों में 312% बेहतरीन। 3 सालों में 147% की रिटर्न है, और 2 सालों में 46%, 1 साल में 23%, ईयर टिल डेट 43.62%, 6 मंथ में देखिए 60.76, मतलब 6 महीने में ही आपका पैसा 60% का रिटर्न दे दिया। 3 महीने में भी 17% के आसपास का रिटर्न, 1 महीने में 11-12% के आसपास का रिटर्न, 1 वीक में करीब 6% के आसपास का रिटर्न, 1 डे में आज डाउन साइड है, गिरावट दिख रही है इसमें। तो जब भी कहीं भी आपने पैसा लगाया था तो वहाँ से आपको रिटर्न ही मिला है इस कंपनी में, कभी आपका लॉस नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो एक फाइनेंस की बेहतरीन कंपनी। मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट आए थे, एक वीडियो बनाया था, वो भी ज़बरदस्त कंपनी, वो भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुकी है। हालांकि उसने तो बवाल रिटर्न दिया है 10 सालों में, बवाल रिटर्न इन द सेंस के करोड़पति बना दिया जिन्होंने कुछ लाख रुपए ही लगाए थे। तो अगर आप अच्छी कंपनियों में भरोसा करते हैं तो पैसा आपका एक तो नुकसान नहीं होता, माइनस में नहीं जाता, और प्लस ही होता है भले ही कम हो। और ये कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा बना के दिया है। अभी फिलहाल ये देखिए जी, यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, मतलब अगर आप 150 रुपये, 149 रुपये के नीचे प्राइस टू अर्निंग का जो इनका रेशियो है अगर उस पर आप लेते हैं तो यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहें तो इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा लेते रहें। अगर आपको NBFC किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो आप ऑब्वियसली इसमें आप जा सकते हैं। ROC इसका देखिए 21.03% का, ROE इसका 20.39% का, वेरी अट्रैक्टिव है और एक गुड क्वालिटी कंपनी। जैसा कि इनका मैनेजमेंट है, जैसा कि इनकी ग्रोथ है, जैसे इनके कैपिटल स्ट्रक्चर है, सेल्स ग्रोथ है इनकी 19.98% की, EBIT ग्रोथ है 20.78% की, एक अट्रैक्टिव है। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे वीडियो अपना वाइंड अप करूंगा। आशा है कि आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस स्टॉक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। और हाँ, कोई भी स्टॉक लेने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर मशवरा कर लें। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।